तो सत्ता का निस्तार रशीद है ना, उसी के द्वारा। अच्छा, गाड़ी में मिलिटेंट्स ट्रांसपोर्ट किया। तो सीन ऑफ ऑफेंस स्टार्ट सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमको जानते हैं लास्ट वीक मार्च 11 में फ्राइडे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। एक अडोरा सरपंच को शबीर मीर के नाम पे एक टेररिस्ट एक्ट पे इसको मार दिया टेररिस्ट ने। सो टू रिवील द कॉन्स्पिरेसी हमने एक स्पेशल टीम बनाया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इस थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हम जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे टेररिस्ट एसोसिएट्स को हमने अरेस्ट किया कल। उन तीनों का डिटेल्स आपको स्पेसिफिक डिस्क में दे दूंगा प्रेस नोट में। एक है मोहनपुरा का दानिश डार एंड अडोरा का फैसल वागे एंड टेंकपुरा शॉपे रहने वाले निसार रशीद। बाद में इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शन पे इधर लोकल मिलिटेंट्स है फारूक नाली, मुस्ताक किट्टू एंड जुबेर सोफी। इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया टू टारगेट द PRAs टू फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग टेरर इन द वैली। वो तीनों टेररिस्ट इन तीनों अपना एसोसिएट्स को टास्क दिया टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हार्बरिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह हेल्प करने के लिए। सो इन तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रखे, हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू द सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाई अरेस्टिंग दीज थ्रू बाई अरेस्टिंग दीज थ्री टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे मुस्ताक किट्टू, फारूक नाली एंड जुबेर सोफी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। रिकवरी आंसर नॉमिनेशन भी रिकवर हुआ, पिस्टल्स एंड ग्रेनेड्स वगैरह रिकवर हुआ एंड लेट्स सी इन दिस इन्वेस्टिगेशन विल रिकवर मोर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।